दोस्त तो चाहे मर जाना, लेकिन गलती से भी माथे पर ऐसा सिंदूर कभी मत लगाना। जानी सिंदूर कैसे लगाएं और क्या है इसके नुकसान बा फायदे। दोस्त तो हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत खास महत्व है। ये एक महिला के लिए उसके सुहाग की निशानी होती है। जब हम कभी किसी शादीशुदा औरत को देखते हैं तो उसके माथे पर सिंदूर जरूर लगा होता है। एक शादीशुदा औरत को सिंदूर के बिना अधूरा माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। आपको बता दें, कई दफा सिंदूर को माथे पर लगाने के चक्कर में कई बार जल्दबाजी या अनजाने में महिलाएं कई गलतियां कर बैठती हैं और ये उन पर और उनके पति के ऊपर गलत असर करता है। दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। तो चलिए जानते हैं सिंदूर के फायदे और नुकसान। दोस्तों, नंबर 1, मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाने की बजाय किनारे पर लगाती है तो उसका पति भी उससे किनारा कर लेता है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मतभेद बना रहता है। दोस्तों, नंबर 2, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो स्त्री अपने मांग के बीचों बीच में लंबा सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपको देखना है कि आपका पति आपसे प्रेम करता है या नहीं तो ऐसे में आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपकी नाक पर थोड़ा सा भी सिंदूर गिरता है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, नंबर 4, अन्य मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को बालों में छुपा लेती है तो उसका पति भी समाज में छिप जाता है और उसके पति को सम्मान नहीं मिल पाता। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंदूर को लंबा और ऐसे लगाएं कि सभी को साफ साफ दिखाई दे। सिंदूर से सजी सबरी स्त्री सौभाग्य को दर्शाती है और ऐसी महिला की खूबसूरती पर लगते हैं 4 चांद। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तय कर लेना चाहिए कि सिंदूर को माथे के बीचों बीच लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि उसके पति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और पति किसी दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसीलिए सिंदूर को हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त अगर हाथों से गिर जाए तो अपशगुन माना जाता है। ये संकेत आपके रिश्तों में दरार आने का होता है। ऐसे में आपको माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए ताकि बुरी बलाएं टल जाएं। दोस्तों, नंबर 7, जिस व्यक्ति को सपनों में सिंदूर लगी स्त्री के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये धन लाभ कराता है। ऐसी स्त्री सपनों में देखना बहुत ही शुभ संकेतों को दर्शाती है। दोस्तों, नंबर 8, जो स्त्री सिंदूर को लगाने से पहले माथे से चूम कर लगाती है तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसी स्त्री का पति लंबी उम्र का वरदान पाता है। माता पार्वती साक्षात देती है आशीर्वाद। दोस्तों, नंबर 9, हिंदू धर्म में नवरात्र, करवा चौथ और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में अगर पति के द्वारा पत्नी मांग में सिंदूर लगवाए तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके एक साथ रहने का प्रतीक होता है। इससे वो काफी लंबे समय तक साथ रहते हैं। ऐसा करने से रिश्ते जल्दी टूटते नहीं। दोस्तों, नंबर 10, महिलाओं में सिंदूर लगाने से रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है और काम वासना में इच्छाओं को बढ़ाता है। आपको बता दें, वेद पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती है, जो कि सबसे पहला स्थान है। हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को मस्तक पर स्थान दिया गया है।
जिसके कारण हम माथे पर कुमकुम लगाकर उन्हें सम्मान देते हैं। देवी लक्ष्मी हमारे परिवार के लिए अच्छा भाग्य और धन लाने में मदद करती है। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा पड़ जाए उसे धनी होते देर बिल्कुल भी नहीं लगती। जय माता लक्ष्मी, जय माता पार्वती। दोस्तों, सौभाग्यवती होने का वरदान पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।